दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X2 के बारे में। दोस्तों इस मोबाइल को मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें कि पोको मोबाइल का ऑटोमेटिक स्विच ऑफ या तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट का प्रॉब्लम के बारे में बताया था। उसमें मैंने ये मोबाइल दिखाया था और उसमें मैंने बताया था कि इस मोबाइल का टच काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी जो है इसका CPU रिवॉल्विंग हो चुका है और इसका टच काम कर रहा है। अभी मैं अगर इसको आपको दिखाऊं इसका लॉक खोल के, तो आराम से आप देख सकते हो ये जो है टच काम कर रहा है और इसका कैमरा भी काम कर रहा है। मैं आपको कैमरा ओपन करके भी दिखा देता हूं। ये देखो बैक कैमरा और ये देखो फ्रंट कैमरा, ठीक है दोस्तों, ये कैमरा काम कर रहा है। तो और एक पोको X2 मेरे पास है, ये देखो ये जो है पोको X2 है और इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कैमरा काम नहीं कर रहा है। इसका भी रिवॉल्विंग होगा, तो ये कैमरा ओपन तो हो चुका है लेकिन काम नहीं कर रहा है, आगे पीछे कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका रिवॉल्विंग होगा। आज ये मोबाइल आया और ये जो है आज सुबह आया था जो कि रेडी हो चुका है। ये जो है पोको X2 है। अगर आपका पोको X2 में टच काम नहीं कर रहा है या तो आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही प्रॉब्लम है कि कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा दिन के बाद टच जो है काम करना बंद कर देगा। या तो आप अभी काम करा सकते हो, CPU वॉलिंग करा सकते हो, या तो जब आपका टच बंद हो जाएगा, टच का काम करना बंद हो जाएगा, तब फिर आप रिपेयर करा सकते हो, मतलब CPU IC जो है रिवॉल्व करा सकते हो। रिवॉल का प्राइस 1500 से 1600 रुपया है। आप आराम से मुझे कॉल करके अपना मोबाइल को कहीं से भी हो, आप इंडिया का कहीं से भी हो, कोरियर करके अपना मोबाइल बिल्कुल सेफ तरीका से कम पैसा में रिवॉल्विंग कर सकते हो और अपना मोबाइल को ठीक से सही तरीका से रिपेयरिंग करा सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है पोको X3, पोको X3 प्रो या तो ये पोको X2 बहुत सारा रिपेयरिंग कर चुके हैं, बहुत सारा रिवॉल्विंग करके दे चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। और जिसका भी रिपेयरिंग होके गया है, बाई चांस अगर किसी का प्रॉब्लम आता है तो हम उसको सेकेंड टाइम रिपेयर करके देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वाला प्रॉब्लम है, मतलब पोको X3 प्रो है और डेड है, हमने बना के दिया उसके बाद डेड हुआ, तो हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, अब हम लोग बना के देंगे। लेकिन अगर आपका पोको X3 है या तो पोको X2 है, चलते चलते आपका टच काम नहीं कर रहा है या तो साउंड कैमरा ब्लूटूथ प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें कि पोको X3 में, और अगर हम लोग रिपेयर करके देने के बाद आपका मोबाइल डेड हो जाता है, एक दो दिन तीन दिन में अगर डेड हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन महीने के बाद 15-20 दिन या तो एक महीने के बाद अगर आपका मोबाइल डेड होता है तो हम लोग उसका रेस्पॉन्स नहीं लेंगे। क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है इतना पैसा का मोबाइल देके वो रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है तो हम कैसे लेंगे। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको बोलता हूं, अगर आपको अपना मोबाइल सही तरीका से रिपेयर करना है तो आप हमें अपना मोबाइल को भेज के परफेक्टली रिपेयर करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।